तो इसके अंदर आईसी है ही नहीं, ये आईसी नहीं है इसमें। भाई मार्केट में लोग ये मान बेच रहे हैं, ध्यान से देखो जो बता रहे हैं, इतना कोई नहीं दिखाएगा। आईसी बिना का है ये, विदाउट आईसी। लोग इसको क्या कर रहे हैं, कोई 1400 में बेच रहा है, कोई 1500 में बेच रहा है, कोई 1600 में बेच रहा है, जैसी क्वालिटी। अभी जैसे ये क्वालिटी है, ये 1550 रुपए की क्वालिटी है ये वाली, इसके अंदर थोड़ी अच्छी क्वालिटी आती है, वो 1650 रुपए की, इसी के अंदर जिसमें आईसी नहीं है वो। गाइस लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था हम लोगों ने डैडी के साथ में, तो वो वीडियो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें थी जिनको हम कवर नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो फ्लड लाइट है, पार लाइट है, इन चीज़ों के बारे में बस डिस्कस किया था, पर हम लोगों ने पूरा बता नहीं था। तो इस वीडियो में हम लोग सीरीज से लेकर के फ्लड लाइट से लेकर के पार लाइट से लेकर के पिक्सल पट्टा, एलईडी पट्टा, पिक्सल स्ट्रिप, एलईडी बोर्ड, शार्पी, हर चीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि हम लोग इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ बताएंगे, जिस भी चीज़ का हम प्राइस डिस्क्लोज करेंगे, वो क्वांटिटी का रहेगा। हम इस वीडियो में हर चीज़ का प्राइस डिस्क्लोज करने वाले हैं, तो आप ध्यान रखना कि एक दो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपको क्वांटिटी, आपको बल्क में ही सामान लेना रहेगा। आज हम आपको एलईडी बोर्ड का भी बता देंगे कि अपना मैन्युफैक्चरिंग है, इसको कैसे बनाते हैं और क्या रहेगा इसका। तो वीडियो शुरू करते हैं शॉप के ओनर यानी मेरे पापा से, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सर, तो सर आपको ये लगता है कि जो कस्टमर दूर देश में रहते हैं, जो दूर परदेश में रहते हैं, और वो लोग लास्ट टाइम 3-4 साल पहले आए थे किसी शॉप पर सामान लेने के लिए, और अभी से वहीं से ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मार्केट में बहुत उतार गिराव हुए हैं, तो उनको एक बार अभी क्या मैं बताऊँ आपको इसमें कैसा होता है कि जैसे जो रेगुलर ग्राहक होते हैं बंद गया। अभी मैंने समझ लो कि आपको ये पिक्सल का रेट पहले आपको 290 रुपया दिया था, ठीक है ओके, और आज समझो इसका रेट उससे पहले अभी इसका रेट हो गया 330 रुपया हो गया, ठीक है। अभी कहने पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये 330 है तो इसका भाव कम नहीं होगा, इसका भाव बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे पहले जो हम पिक्सल जो बेचते थे ऐसा वाला जो ये माल था, ओके, ये बेचते थे तो इसका रेट था 290 रुपया, ठीक है। इसके बाद इससे अच्छी क्वालिटी हमने बनवाई, उसके अंदर बड़ी आईसी वाला हमने बनवाया जो कि उसका रेट है 330 रुपया। अब जो ग्राहक पहले किसी और से अहमदाबाद में लेते होंगे और लेते रहे, शायद और भी लेते भी होंगे, वो एक बार ये जरूर ट्राई करें हमारे पास आकर। अहमदाबाद में तो आते ही होंगे, मुझे पता है मेरा दुकान शॉप है गांधी रोड में हीरा प्रभु कॉम्प्लेक्स के अंदर, और हीरा प्रभु कॉम्प्लेक्स में भी लोग बाहर के जो हैं यहाँ पर भी आते होंगे और हमारा वीडियो भी देखते होंगे और माल उनसे लेते भी होंगे। एक बार हमारे वहाँ भी ट्राई करो, पता चले आपको रेट में और चीज में। ओके गाइस, इनका इनके कहने का मतलब ये है कि आप लोग ने कभी भी अगर कहीं से भी माल लिया है ऑल ओवर इंडिया, अगर आप अहमदाबाद से लेते हो या कहीं से भी लेते हो, तो अगर आप 4-5 साल से कहीं से माल ले रहे हो, तो आप एक बार हमें भी ट्राई करें, आप हमारे यहाँ से भी एक बार माल लें। और इसके बाद मैं आपको ये बोलूँगा कि जो सामान आप अगर हमसे ले रहे हैं, जो भी हमारे जो कस्टमर है जो 3-4 साल से हमसे ले रहे हैं, मैं बोलूँगा कि वो कहीं और भी ट्राई करें। अब उसमें क्या होगा कि हमारे जो है उनको आइडिया आएगा कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या प्लस है क्या माइनस है, और जो दूसरी जगह से जो माल ले रहे हैं उन्हें एक बार हमारे वहाँ भी ट्राई करना चाहिए कि क्या सस्ता है क्या अच्छा है। ओके अभी देखो वो पहले जो कल इंदौर से ग्राहक आया था, हाँ, वो हमेशा रानी बाजार के रानी बाग कुछ होगा इंदौर के अंदर वहाँ से लेता था, ओके, तो कल अहमदाबाद कहीं से भूले भटके यहाँ आ गया हमारी शॉप पर, उसको बहुत अच्छा लगा कल और हमारे से माल लेकर गया वो, क्या अब वो बोल रहे कि इंदौर से अच्छा आपके पास मिला है, ये माल मिलता नहीं है। अब इसमें कैसा है, अमुक अभी चीज़ क्या है कि अमुक दिल्ली वाले बना रहे हैं इसको, ये दिल्ली में भी बन रहा है, फैक्ट्रियाँ है लोगों के पास में बना रहे हैं, और कुछ ओरिजिनल भी आ रही है चाइना से, हम तो जहाँ तक बनता है ओरिजिनल ही मंगवाते हैं, चाइना वाला इम्पोर्टेड है हमारा। पट्टे आते हैं उसके अंदर चालू वाले पट्टे भी, ये देखो ये रहा, ये पट्टा 330 रुपये का पड़ेगा, ये फोस्टर पट्टा है ये आपको पड़ेगा 400 रुपये का पड़ेगा, फिर मेरे पास में ये बास्केट निवार के अंदर ये अपना एसआरएल में पुराना जो एसआरएल आता था, कौन सा ये वाला, जी जी ये जो एसआरएल आता है इसके अंदर पट्टे हुए मेरे पास है जो कि आपको 1150 रुपये में पड़ेंगे। अच्छा इसके अंदर फिर मेरे पास अभी जो फिलहाल जो नया मेरे पास बेल्ट बनवाया है मैंने, ये ओरिजिनल एसआरएल बड़ी आईसी वाले में मैंने जो बेल्ट बनवाया है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये आपको पड़ेगा 1200 रुपये में, ये 1200 रुपये में पड़ेगा आपको, क्या। और दूसरे इससे हल्के वाले हैं वो सामने देखो चल ही रहे हैं, वो पड़ेंगे आपको 950 रुपये में, क्या 950 रुपये में ये बेल्ट पड़ेंगे आपको। और आइटम है और ये 45 फीट है, अच्छा अनब्रेकेबल तो है ये कैसी अनब्रेकेबल, जो इवेंट में जो पहले जो यूज़ होती थी वो बल्ब वाली, हम लोगों ने उसको रिप्लेस किया है कि ये एक ही हमारा इवेंट प्लानर। ये देखिए तार देखो इसका कितना मोटा तार है, देखो ये हेवी वायर में, ये देखो बहुत ज़्यादा हेवी वायर है ये,
और इसका ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा और 45 फुट है ये। अच्छा दूसरी बात, ये अनब्रेकेबल, इधर देखिए इसको कितना ही मारो पीटो इसको कुछ नहीं होने का है। अब मैं इसको आपको डोमो में चालू करके दिखाता हूँ, देखिए आपके साथ इसको पीट लिया कितना भी, अब इसको देख लीजिए मैं इसको चालू करता, इसका ब्राइटनेस भी अच्छा रहेगा और सबके बहुत बढ़िया आइटम ये। अब देख सकते हैं 3G ब्राइटनेस रहेगा इसका, प्लस वाटर प्रूफ रहेगा ये। अच्छा और प्योर कॉपर भी है इसमें, मेरे पास सभी कलर है, रेड ब्लू, ये आवाज दिखा दिए, रेड है, बॉम्बाइड है, ग्रीन है, ब्लू है, व्हाइट, पिंक, सारे कलर अवेलेबल हैं इसमें। छह कलर, छह कलर में अवेलेबल है क्या। और दूसरा फिर चाइना के अंदर ये देखो, चाइना वाली ये है, ये चाइना वायर में है, चाइना तार देखो मैं आपको दिखा दूँ, इसका तार कैसा आएगा, पतला तार आएगा, चाइना वाला ये सिंगल कलर। गाइस हम चाइना को प्रेफर नहीं करते, हम चाइना को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम ऑलमोस्ट चाइना का चीज़ नहीं ही बेचते हैं। अगर कोई कस्टमर को बहुत ज़बरदस्ती है, अगर ऐसा रहे कि हमें चाइना का सामान चाहिए तो भले हम दे दें, बट हम चाइना को सपोर्ट नहीं करते। ये भी 15 फीट है, 15 मीटर है ये क्या, ये पड़ेगा आपको 58 रुपये, 58 रुपये पर पीस ये वाला। और ये आपको ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये पड़ेगा आपको 105 रुपया, ये 105 रुपीज़ का पड़ेगा। हाँ। सिर्फ अच्छा, और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है ये। अच्छा दूसरी एक आइटम हम लोगों ने और बनाई है अभी, नहीं नहीं ये देखिए सिंगल कलर तोरण, ये तोरण का डेमो मैं दिखा देता हूँ, हम लोगों ने डेमो लगा रखा है यहाँ पर। ये बेल्ट के अंदर ऐसा सिला हुआ है, देखो स्टैंडर्ड बनाया गया है हम लोगों ने, लोकल कोई भी काम नहीं है हमारा। ये 20 फुट लंबा बनाया है हम लोगों ने, 20 फुट है ये 20 फुट का है, और वो भी रस्सी में डालकर क्या रस्सी में डाल के बनाया हुआ है। और ये 4x20 फुट है, जिसका कॉस्ट रहेगा आपको 950 रुपये, 950 रुपीज़ का रहेगा ये गाइस। 20 फुट का रहेगा ये। इसमें ऑल कलर है मेरे पास, में 7 कलर है इसमें, सारे कलर्स अवेलेबल है, ऑल कलर्स। इसमें भी अगर आप जैसा बोलोगे वैसा बना भी देंगे, जितना लंबा बोलो जितना बोलो। अच्छा दूसरी बात, इसमें फायदा ये है आप इसको कितना भी लंबा कर सकते हो, जॉइंट टू जॉइंट कर सकते हो। मतलब अगर किसी को 100 फुट करना है तो कर सकता है, 200-500 फुट करना तो कर सकता है, लेकिन उसको पावर सप्लाई जो है ना पहले वाले में पावर सप्लाई उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा बस। ओके, और कुछ करना नहीं है, सिंपल है। और दूसरी बात, अभी आ जाइए फ्लड के ऊपर, मैं फ्लड दिखाता हूँ आपको। ये स्टार्टिंग करता है चाइना से, अब चाइना का ये देखिए चाइना का फ्लड है ये आपको पड़ेगा 210 रुपये का, ओनली 210 रुपये पड़ेगा ये। 250 वॉट का रहेगा गाइस ये। हाँ आप देख सकते हैं ये 210 रुपये का पड़ेगा आपको। अच्छा इसके बाद में मेरे पास आ जाइए, जो अभी जो लेंस वाले जो नए आए ना लेंस वाले, हाँ जो अनब्रेकेबल बहुत ज़्यादा, हाँ ये जो अनब्रेकेबल, इसके अंदर क्या दो क्वालिटी है, एक तो लोकल क्वालिटी है वो भी दिखा देता हूँ, और कंपनी का वो भी दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास इसमें कंपनी का भी है, लोकल दोनों है इसमें मेरे पास। अभी जैसे देखिए आप, ये लोकल है, ये आपको पड़ेगा 120 वाट का, आपको पड़ेगा 610 रुपये का, ओनली 610 रुपये का पड़ेगा ये, 120 वाट है, लेकिन ये आपको कम से कम 20 पीस से कम नहीं आएगा इस ये रेट में क्या, 610 रुपये। अच्छा इसमें फिर आप कंपनी में आ जाइए, तो आप जो प्राइस बता रहे हैं वो होलसेल का ही रहेगा, होलसेल का ही रहेगा, और क्वांटिटी चाहिए रहेगी उसमें। अच्छा दूसरा फिर आ जाइए हेवी के अंदर, ये हेवी है सर, आप जो रेट बता रहे हो अगर कोई कस्टमर यहाँ पर आया तो उसको यही रेट में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यही रेट में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी जैसे ये मेरे पास ये हेवी वाला क्वालिटी है, ये वाला ये हेवी क्वालिटी है, ये आपको पड़ेगा 950 रुपये, 950 रुपीज़ में, 950 रुपये का पड़ेगा ये आपको, 120 वाट का कलर है ये। हाँ ये कलर वाला ये। अच्छा उसके बाद में आपको मैं ये दिखाता हूँ अपना खुद का मैन्युफैक्चर, इंडियन, ये देखिए ये 2-in-1 है, ये 2-in-1 है, इसमें 2 कलर है। ओके ये क्वालिटी देखिए पहले, मेक इन इंडिया रहेगा ये। हाँ अपना खुद का प्रोडक्ट है, इसमें वाइट और बॉम्बाइट 2 क्वालिटी इसमें, मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ एक बार देखिए इसको, मतलब 2 कलर है इसमें, तो एक कस्टमर चाहे जब कोई भी कलर चेंज कर सकता है। हाँ 2 कलर में से कोई भी, वाइट और बॉम्बाइट। ओके अभी जैसे मैं इसको चालू करके दिखा रहा हूँ, देखिए आप इसको, ये बम्बई है, और इसके बाद में फिर यही को ये वाइट हो गया। हाँ वाइट एंड बम्बई दोनों है मेरे पास इसमें, ब्राइटनेस भी अच्छा।
गाइज ये हम लोग बता रहे हैं हमको चीज़, क्योंकि ये तीनों के तीनों 10 फुट के ही तोरण है। ओके, तो अभी हमें पापा बताएंगे कि जो रेमबो जो फिक्सल आता था रेमबो, ओके, जो शुरुआत में हम लोग आपने आपको बताया सस्ते वाला फिक्सल रेमबो जो कि 240 रुपए रेट है जिसका फिक्सल का, ये उसमें बना हुआ है बिना आईसी का। ये इसका कॉस्ट रहेगा 800 रुपए 10 फुट का 4x10, 800 रुपए का रहेगा ये। हाँ, रेमबो कंपनी वाला है ये, 4x10 का तोरण है ये, 4x10 का तोरण रहेगा। उसके बाद में ये आ जाओ एमएसटी, ये एमएसटी है आईसी वाला है, देख रहा है आईसी दिख रहा होगा, ये एमएसटी का है जो इससे थोड़ा हैवी है, इससे थोड़ा ये हैवी है, पर कस्टमर का प्रॉब्लम आ रहा था कि ये जो है वो फसक जाता है, फसक जाता है, लेकिन ये नाम तो एमएसटी का चल रहा है ना, पर एमएसटी बताना पड़ेगा ना, वो भले खराब निकले कुछ भी निकले सही है क्या, ये एमएसटी है, ये पड़ेगा आपको 1050 रुपए का ये वाला। ओके गाइज, आप क्वालिटी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं, देखने में आप चीज देख लीजिए, ये रेमबो कंपनी का विदाउट आईसी वाला रहेगा, सिंगल वायर, जो फ्लेक्सिबल वायर आता है लोकल वाला वही रहेगा वायर। उसके बाद में आप ये चीज देख लीजिए, ये एमएसटी का 1 mm रहेगा और ये चीज रहेगा। अब मैं आपको अपना वाला जो है वो दिखाएंगे, अभी ये जो है इसका रेट है 800 रुपए, 800 रुपए का ये, ये 1050 पड़ेगा आपको। ओके, ये वाला जो एमएसटी का वो, और ये आ जाओ एसआरएल में। ओके, ये मेरा खुद का ब्रांड है एसआरएल, ये अपना खुद का रहेगा ये। हाँ, और वायर आप देख सकते हैं इसमें, अच्छा जो ये जो तार है ना, ये भी मैं गारंटी से बोलता हूँ आप तोड़ नहीं सके, तोड़ोगे टूटेगा नहीं। ओके, तार निकालो 14 तार आएगा कॉपर वायर इसके अंदर, 14 तार कोई नहीं डालेगा। अच्छा, ये आपको पड़ेगा क्या, ये 1250 रुपये का पड़ेगा। अच्छा, साथ में ना हमने इसमें रस्सी भी डाली हुई है, इसमें रस्सी भी डाली हुई है। ओके, ये स्टार्टिंग टू एंड तक है। हाँ, ये लास्ट से लगा के लास्ट तक हमने रस्सी भी डाला हुआ है। ओके, हाँ, इसमें 1.5 mm वायर है ऊपर डाला हुआ है और 3 घंटे का प्रोग्राम है। ओके, हाँ मतलब क्योंकि ये जो तोरण होते हैं वो टूटते ऊपर से ही है, खराब वहीं से होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से होता है। अच्छा, उसमें भी हम लोग रस्सी लगाने के बाद भी इसमें भी टाइम आ रही हुई है क्या, ये आपको 1250 रुपये का आपको 10 फुट का तोरण ये पड़ेगा, 1050 पड़ेगा और ये पड़ेगा 800 रुपये का। ओके, ये तीन क्वालिटी है, और इसी में मेरे पास में ये जो बड़े तोरण है ना वो भी है मेरे पास, लेकिन ये सब हैवी है, इसमें लोकल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, टोटली हिसाब में बना हुआ है, ये 30 फुट है, ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। हाँ, वन टाइम बोला। अच्छा, इसके अंदर भी पूरे में लास्ट से लास्ट तक रस्सी डाला हुआ है, इसको आगे भी आकर आप 30 का जगह 60 कर सकते हैं, इसमें लिए हम लोगों ने ये दे रखा है इसमें। ओके, तो क्या आपने इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग ऐसी करी हुई है कि अगर ये जैसे 20 का हो या 30 का हो तो दूसरा हम लोग 60-70 तक लगा सकते हैं, लगा सकते हो 60-70 तक लगा सकते हो, लेकिन इस बात वही रहेगा कि पावर सप्लाई आपको हैवी डालना पड़ेगा, सर्किट चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी, चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि सर्किट इसमें 10-60 की डाली हुई है। अच्छा, दो आप अटैच कर सकते हो, 30 फुट के दो लगेंगे, मतलब 60 फुट तक बना सकते हैं इसमें, उसमें आपको सर्किट लगा चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पावर सप्लाई आपको जो पावर सप्लाई लगा हुआ है ना वो, ये हम लोगों ने इसमें के दो लगा रखे, आपको उसमें ना एक पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा बड़ा वाला। ओके, तो क्या हम इसकी कोई गारंटी देते हैं? हाँ, पावर सप्लाई गारंटी है 6 महीने की। गाइज, आप लोकल जो तोरण परचेस करते हो कहीं से भी तो उसमें शायद आपको कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलती होगी, पर हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, आपको इसमें गारंटी मिलेगा, सर्किट में और पावर सप्लाई में दोनों में 6 महीने की गारंटी है, रिप्लेसमेंट की। गाइज, रिपेयर नहीं करूंगा मैं, ये आपको रिप्लेसमेंट करके देंगे, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर से ये करना, सर्किट और पावर सप्लाई ओनली है, ओनली सर्किट और पावर सप्लाई ये चाहिए। और मान लीजिए कि अगर 6 महीने बाद आप आए हैं और अगर आपका सर्किट ये खराब हुआ है तो सिर्फ आपको सर्किट और पावर सप्लाई के ही पैसे देने के रहेंगे। अगर पिक्सल में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो ये लाइफ टाइम तक रिपेयरिंग फ्री है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये जो पिक्सल्स है, ये जो रिपेयरिंग करते हैं, इसमें हम लोग पिक्सल रिपेयरिंग के पैसे नहीं लेते, वो लाइफ टाइम फ्री है हमारे पास। सामान का पैसा देना पड़ेगा उसमें आपको, इतना ध्यान रखना। गाइज, अगर आप 6 महीने बाद आए हो, अगर सामान आपका कोई खराब हो गया तो आपको सामान का पैसा देना रहेगा। पिक्सल है ना, मेरे घर तो बनती नहीं, आपको पता होगा, हम भी इंपोर्ट करवाते हैं, हमारे को गारंटी मिलती नहीं है, लेकिन क्या कि ग्राहक को हम सीजन में आपको ना आप बोलो तुरंत मेरे को रिपेयर करके दो तो नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। खास करके सीजन के अलावा आप इसको रख के जाना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको रिपेयर करके मिल जाएगा। रिपेयरिंग का जो चार्ज है, जो कार्य का 150 रुपये लेता है बस वही, बाकी हमारा कोई चार्ज नहीं है। गाइस, इनके कहने का मतलब ये है कि सीजन में आपको भी पता होगा कि सीजन में टाइम नहीं मिलता है, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको किसी को रिपेयर करना है या रिप्लेस या कुछ भी करना है तो आप नॉर्मल डेज में आओ, कोई टेंशन नहीं है, आपको ये रिप्लेस या रिपेयर जो भी होगा वो करके देंगे ऑन द स्पॉट। तो आप खाली इसका नोटिस करना है कि आप सीजन में हम आपको रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 दिन मिनिमम चाहिए। 4x20। ओके, ये 4x20 है क्या? और ये ऐसा ओरिजिनल, वो जो बड़ी आईसी वाला है। हाँ, बड़ी आईसी वाला,
ये आपको पड़ेगा 2500 रुपए में। वायर आप देख सकते हैं गाइस, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वायर देख करके जज कर सकते हैं। प्योर 14 तार कॉपर वायर मिलेगा आपको। अच्छा, ये आपको पड़ेगा, ये 2500 रुपए में पड़ेगा आपको। इसी में अगर नो बिना आईसी वाला लोगे तो वो मैं आपको दूंगा 1650 रुपए में। ओनली 1650 जो वो दिखाओ उसको, जो चालू वाला है उसमें आईसी नहीं है, एक आईसी दिखाओ। देखो सर जी, ये जो चीज़ है, ये जो बताइए, इसमें आईसी नहीं है। देखो मैं देखो, देखो आईसी नहीं है इसमें, मतलब ये वन टाइम है, ले लिया खराब हो गया तो फेंक दो इसको, रिपेयर नहीं होगा। ये देखो इसके अंदर आईसी है ही नहीं, ये आईसी नहीं है इसमें भाई, मार्केट में लोग ये मान रहे हैं। ध्यान से देखो जो बता रहे हैं, इतना कोई नहीं दिखाएगा, आईसी बिना का है ये, विदाउट आईसी। लोग इसको क्या कर रहे हैं, कोई 1400 में बेच रहा है, कोई 1500 में बेच रहा है, कोई 1600 में बेच रहा है, जैसी क्वालिटी। अभी जैसे ये क्वालिटी है, ये 1550 रुपये की क्वालिटी है ये वाली, इसके अंदर थोड़ी अच्छी क्वालिटी आती है, वो 1650 रुपये की, इसी के अंदर जिसमें आईसी नहीं है वो। ओके ओके, और जो आईसी वाला है उसकी तो बात ही अलग है, इसमें तो आपको जो डालना डाल सकते हो क्या। और खास करके ध्यान रखना, ये कभी भी लो ये पहले देखो उसमें आईसी है या नहीं। गाइस बिल्कुल सही बोला है पापा ने, आप अगर तुरंत परचेस कर रहे हो, चाहे वो 2 रुपये की हो या 2000 की हो या 2 लाख रुपये की हो, उसमें आईसी चेक करें, क्योंकि वो रीप्रोग्रामिंग नहीं होता उसमें, वो वन टाइम के लिए ही है। वो जो थूक लगा के काम वाला होता है वही काम लेता है वो, तो वो आपके ज़्यादा देर काम नहीं आने वाली। अगर आप उसके ऊपर कोई इवेंट या कोई डेकोरेशन का लेते हो तो उसके ऊपर आप मत लेना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। घर पे किसी, जैसे कोई गणपति में किसी ने घर पे लगा लिया उसके लिए चलेगा, लोकल है, बाकी डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन वालों के लिए काम करने है वो। ओके ओके, बिना आईसी का जो है वो जो लोकल लोगों के लिए है, जो कि आप एक आध पीस लेके गए चलो ठीक हो गया। ओके ओके, जो उसको शादी ब्याह में ले गया अपने घर लगाने के लिए, ठीक। लेकिन जिसको डेकोरेशन का काम है, डेकोरेशन जो बिजनेस करता है उसके लिए तो ये ही चलेगा। ओके हाँ सर, ये जो बिस्किट वाली जो पार लाइट आती है, इसमें अपना ये जो सिंगल चिप का, एक बार आप बता देंगे कि इसमें सिंगल चिप का और 3 चिप में डिफरेंस क्या क्या होता है। एक्चुअली में क्या है, सिंगल चिप ये जो 3 चिप है ये लोगों का बकवास वाली बात है। एक्चुअली में क्या है कि इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट की कहानी है इसमें। ओके, ओरिजिनल मतलब जो चाइना से इम्पोर्ट होके आता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल, जिसका ब्रांड हाई रहता है। ओके, और जो दिल्ली में बन रही है ना असेंबल, मतलब असेंबल, ओके, वो हो जाती है डुप्लीकेट, जो दिल्ली में बनती है, और दिल्ली का, दिल्ली में जो बनता है उसका ब्रांड रहेगा लो। अच्छा, बॉक्स सब एक जैसे ही आएगा, हम बॉक्स तो चाहे फिलिप्स का छपा लो वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कह रहे हैं मतलब एक दिल्ली में बनता है वो, जो दिल्ली में नोएडा में बनता है वो, और एक जो चाइना से इंपोर्ट होता है वो, ये हमारा जो है ना गाइस ओरिजिनल, चाइना ओरिजिनल है। हाँ, आप ये समझ लेना, इम्पोर्टेड जो चीज़ है वो ओरिजिनल है, जो बनाया है हमारे इंडियन में वो हुआ कस्टमाइज असेंबल, तो उसका पावर आपको कम मिलेगा, क्योंकि जो चाइना से हम लोग डायरेक्ट इम्पोर्ट करते हैं वो आता हैवी पावर सप्लाई। अभी जैसे दिल्ली वाला जो पार लाइट है, अभी उसका रेट चल रहा है 820 या 850 के आसपास चल रहा है उसका रेट, और जो इम्पोर्टेड है आज की तारीख में उसका 1050 का रेट है। ओके, ओरिजिनल का आज की तारीख में 1050 ही रेट है। हाँ गाइस, तो कोई आपको 900 रुपये में देता तो मान लेना कि वो ये चीज़ नहीं है, नहीं है और नहीं है। बिल्कुल करेक्ट कहा इन्होंने, अगर आपको कोई सस्ता दे रहा तो आप समझ लेना कि वो असेंबल ही है। देख लीजिए ना, जो क्या बोलते हैं बिग डिपर का 07H आ रहा है ना, उसमें कितनी क्वालिटी आ रही है, 007 में ना। हाँ, बिल्कुल बार बार आ गई इसमें, देखिए ये देखो ऊपर लगी हुई डुप्लीकेट है ये 00 गाइस मैं बता दूं, ये 007 लगी हुई, 007 है, डुप्लीकेट है ये, ये भी इंडियन मेड है, और ये भी 007 ही है, देखो ये भी डुप्लीकेट है, ये दोनों ही डुप्लीकेट चीज है। हाँ, अभी जो इनका जो रेट है ना, उसका जो इनो का जो रेट है 1750 रुपये है, ये वाली का जो रेट है वो 1750 मतलब 1750 रुपये रहेगा, सर वही रेट है 1750, दोनों का सेम प्राइस है 1 और 2। और ओरिजिनल चाहिए तो आपको हो रहा वो पड़ेगा 2100 रुपये, और ये ओरिजिनल जो हमने चालू करके रखा हुआ है यहाँ पर, ये ओरिजिनल है जो आपको पड़ेगा 2100 रुपये में, ओनली 2100 रुपये। अब मैं देखो बीड़ी पीने का टाइम हो गया मेरा, अब मैं बीड़ी पीता हूँ, और जो पीता है वो आओ सुरंग में चलेंगे सीधे। ओके भाई, थैंक यू।